भाई मेरे दोस्त, आज तो सुबह हो गई। अब मैं आज तो पूजा पाठ सब हो गया। अब आप लोग सोचती होगी मैं क्या बनाऊंगी खाना। देखिए आज बता रहे हैं, आज मैं बिरयानी बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। बिरयानी तो और बार बनाए हैं, लेकिन अलग अलग तरीका के बिरयानी बनता है, इसलिए मैं अलग अलग तरीका के मैं बिरयानी बनाती हूँ। अब बिरयानी आप लोग को दिखाती हूँ। इस बिरयानी में खाने से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रंग उंग का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं सिर्फ हल्दी डाल के बनाती हूँ। जो थोड़ा शादी ब्याह के है, कोई पार्टी के है, तो उसमें फन फूड रंग के इस्तेमाल होता है, क्योंकि थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कलर। ये मैं बनाती हूँ हल्दी डाल के, कि खाने में बच्चा खाए बड़ा खाए कोई नुकसानी नहीं होता है, एकदम टेस्टी भी होता है, बहुत टेस्टी होता है, अलग अलग स्वाद भी होता है। तो इसलिए मैं आज बिरयानी बनाऊंगी। सारा काम तो हो गया, अब मैं जा रही हूँ बिरयानी की तैयारी करके बिरयानी बनाऊंगी। अच्छा, चलिए आप लोग को किचन में दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और बार बनाए हैं, लेकिन इस बार कोई अलग है तरीका। तो चलते हैं, गर्मी भी है, गर्मी बहुत है, इसलिए कुछ तो बोला नहीं जाता है, लेकिन क्या करें, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो आज वही मैं बनाऊंगी। बारिश भी हुई, लेकिन बारिश से कोई ये नहीं हुआ, गर्मी है। चलिए हम आप मिल के बनाते हैं बिरयानी। आप लोग रहेगी साथ में तो मेरा भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा कमेंट में भी बताइए कि देखने में कैसा लगा, तब हमको और अच्छा लगेगा। और अलग अलग तरीका से अलग अलग खाना मैं बनाकर आप लोग को दिखाऊंगी। चलिए तब किचन में आप लोग को ले चलते हैं। देखिए मेरे YouTube फैमिली, मैं आज बिरयानी बनाने जा रही हूँ। बिरयानी तो आगे भी बनाई हूँ, आप लोग को दिखाई भी हूँ, लेकिन ये अलग तरीका के बिरयानी है, आप लोग बनाइए, बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो मैं अब चल रही हूँ नियम बताने, आप लोग देखिए नियम। सबसे पहले इसमें मैं नमक दे रही हूँ, क्योंकि नमक दे रहे हैं इसलिए कि इसमें अंदर जो है नमक अंदर ढुक जाएगा। लहसुन पेस्ट दे रही हूँ इसलिए कि स्वादिष्ट हो। हल्दी दे रही हूँ कि बिरयानी में तो हल्दी नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें हल्दी दे रही हूँ इसलिए कि ये थोड़ा सादा सादा ना दिखे, दिखने में खराब ना लगे, अच्छा लगे दिखने में भी खाने में भी, इसलिए मैं हल्दी थोड़ा सा दे दी। अब इसको मैं आज ये दही देकर नहीं इसको बनाऊंगी, मैं इसको मिलाकर रख दूं, इसलिए कि नमक दी है सॉफ्ट भी होगा, अंदर में नमक भी जाएगा, इसलिए मैं नमक इसमें दी है। हल्दी थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं वो लोग, जो दुकान वाला बनाते हैं वो लोग देते हैं रंग, हम रंग नहीं देते हैं, रंग नहीं खाना चाहिए। हल्दी आप लोग खाइए, ये भी हल्दी सामने से इसको पिसवाई हूँ हल्दी, इसलिए मैं हल्दी देके, हल्दी नुकसान नहीं करेगा, रंग खाइएगा नुकसान करेगा, इसलिए मैं हल्दी दे रही हूँ कि पीला हो जाए। देखिए हल्दी मिला दिए, अब इसको आधा घंटा के लिए मैं इसको रख दे रही हूँ। अब चल रहे हैं, तब तक दूसरा काम कर ले, प्याज व्याज काट ले, उसको मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं आलू साफ कर दी, लेकिन आप लोग सोचिएगा कि ये आलू पूरा कटा नहीं है, लेकिन ये आलू यहाँ से कटा है, इधर में भी छेद किए हैं, इधर में भी थोड़ा खोद दिए हैं, इसलिए कि इसको नमक लहसुन आदि के पेस्ट देकर इसको मैं एक सीटी लगाऊंगी, ताकि इसमें अंदर तक नमक सब लहसुन का पेस्ट चल जाए। इसमें एक कटा हुआ है, इधर से भी खोभा है। देखिए ये जो प्याज काटे हैं इसको आप लोग निकाल के खाइएगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कत कर देता है, बसीर तो और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसका बसीर है उसका बढ़ा देगा, नहीं है उसका होने का
संभावना है, तो इसको निकाल कर आप लोग प्याज के जब भी खाइए, एक ठो खाइए, दो ठो खाइए, जब भी खाइए इसको निकाल कर खाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो 1.5 किलो चिकन है, 1 किलो आलू, 700 ग्राम प्याज है, उसमें डालेंगे। देखते हैं, देखिए पानी है, इसमें मैं हल्दी दे रही हूँ, आलू पीला हो जाए, नमक दे रही हूँ स्वाद अनुसार, आलू में नमक अंदर डूब जाए, लहसुन आदि के पेस्ट दे रहे हैं स्वाद अच्छा हो। आलू देखिए एक सीटी लगाकर, ज़्यादा नहीं उबलना है नहीं तो ढक जाएगा। मीठा अतर है 1 बूंद, इसको देना है कि सेंट आलू अच्छा हो। अब इसको मैं बंद कर दूं। देखिए मैं प्याज काट ली, प्याज ये नहीं कि आपको इतना ही प्याज डालना है, आप इसमें कम बेसी भी कर सकती हैं, प्याज कम देने से भी अच्छा बनेगा, अथवा ज़्यादा भी, जो जितना जितना खाए, हम लोग थोड़ा प्याज ज़्यादा खाते हैं इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा देती हूँ, आप लोग थोड़ा कम भी कर सकती हो प्याज, तो इसलिए नहीं कि इतना है तो इतना ही देना है, आप लोग दे सकती है थोड़ा कम भी। देखिए मेरा चिकन सॉफ्ट हो गया, एकदम नरम, नमक भी इसका अंदर चल गया। देखिए चिकन में भाग रही हूँ, देखिए ये पानी बच गया है चिकन में के, इसको मैं भीग दूंगी, इसको नहीं डालना है, और इसको भाग रही हूँ, हो गया, और इसको भाजा गया है, देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है, बहुत टेस्टी है। ये आलू भी हो गया है, इसका भी पानी नहीं डालना है, भीग देना है पानी, थोड़ा सा लगे तो इसमें चिकन में आप डाल सकती हैं, लेकिन जब इसका पानी डाल देगी आप लोग चिकन में, तो जो चिकन बनाएगी, जो आप लोग को मन करेगा कि हाँ थोड़ा अलहदा सा चिकन रखे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए इसका पानी भीग दीजिए। देखिए मैं अब इसमें प्याज भाजूंगी, भजाई हो गया हल्का, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है इसको। अब मैं इसको प्याज के लिए स्वाद अनुसार नमक एक घोल पड़ेगा चावल में, वो फ्राई हो जाएगा। एक चिकन में तो दही नहीं डाले हैं, लेकिन बिरयानी में जो चावल होगा, एक घोल बना रहे हैं इसमें थोड़ा दही डालेंगे, क्योंकि चिकन में दही दूध दरकार है। देखिए प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें मैं थोड़ा मसाला डाल दूं, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, मिर्चा दे रही हूँ, लाल मिर्चा थोड़ा झाल दूँ, आधा लहसुन का पेस्ट, थोड़ा पानी की फ्राई हो गया। चावल मैं पहले से भिजा कर रखी हूँ ताकि चावल पतला पतला हो और लंबा लंबा हो, इसलिए चावल को भिजा कर रखी हूँ। इसको चावल बनाने से ये पतला होगा, खूब सॉफ्ट होगा। देखिए चावल को पूरा सिझाना नहीं है, एकदम कच्चा है चावल, इसमें बैठाएंगे सब देखकर तब सिझेगा, तब तक इसमें मैं दही डाल दूँ। देखिए इसमें मैं अब थोड़ा पानी देते रहे हूँ, ताकि इसमें थोड़ा चिकन डाल दूँ कि चिकन में थोड़ा घुल ढुक जाए। इसमें थोड़ा दे रहे हैं कि चिकन में झुल ढुक जाए, एकदम पूरा अच्छा से सूखा सूखा ना रहे, इसलिए मैं चिकन डुबा दी झोल में, तुरंत इसको बंद करना है, ज़्यादा देर नहीं। इतना चावल निकाल लिए, ऊपर से डालेंगे इतना चावल नीचे में, इसमें चिकन आलू बिछा देना है, झोल डाल देना है, इसमें दूध दे दिए, गुलाब जल, ये डालना ना भूले, इसी में सब है, इसी का सेंट जिसे बिरयानी के लगता है, यही है चीज मीठा अतर, ये है आप लोग को दिखा दे रहे हैं, ये सीसी है। झोल के लिए नमक दे रहे हैं, उसमें नमक डाले हैं, झोल के लिए चीनी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा मीठा खाते हैं, आप लोग चीनी नहीं भी दे सकती हैं, जो नहीं खाता है मीठा, मीठा नहीं थोड़ा
स्वाद होगा, अच्छा स्वाद होगा। आप लोग नहीं भी खाती है तो थोड़ा सा दीजिए चीनी, टेस्टी लगेगा। अब इसको खूब बढ़िया से मिला दे रहे, देखिए मिला दिए। गरम मसाला है, देखिए गरम मसाला मिल गया। अब इसमें दे देंगे, इसमें भी नीचे गरम मसाला दिए, थोड़ा सा एक जगह घी है, घी थोड़ा सा घी भी दे दे। अब इसको सब जगह पर आटा देकर और ढक्कन के, इस ढक्कन को इस पर आटा देकर चिपका देंगे और थोड़ा सा एक जगह में थोड़ा सा खाली रख देंगे, उसमें से भाप, उसमें से भाप निकलेगा, थोड़ा सा एक जगह खाली रहेगा, बाकी सब जगह पर आटा देके बढ़िया से चिपका देना है। और उसके बाद में एकदम लो आँच, एकदम लो आँच करके इसको बैठा देना है, नहीं तो जल जाएगा। देखिए मेरा बिरयानी बन गया, बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत कोई अलग ही तरीका इसका है, खाना भी बहुत टेस्टी है।